हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लच्छा पराठा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे लच्छा पराठा किस तरह और कैसे बनाया जाता है, जो बहुत ही ईजिली तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मैदा डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल लिया है। और फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो देखिए, मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छे से, क्योंकि आपको रिफाइंड ऑयल और नमक को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। और अब आपको इसका डो लगा लेना है, बिल्कुल ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़। आपको इसका डो बिल्कुल जैसे पूरियों का डो लगाते हैं वैसा ही लगाना है, जैसा रोटी बनाते हुए हम अपने आटे को तैयार करते हैं, आपको इसी प्रकार का इसका डो तैयार कर लेना है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, एकदम से आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा फिर से मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए, आपको धीरे धीरे अपने डो को इस प्रकार तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना आटा बिल्कुल सॉफ्ट डो अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। और अब हम इस प्रकार की एक लोई बना लेंगे। अब हम अपनी लोई को अच्छे से बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी रोटी को काफ़ी बड़ी बेल लेंगे, ताकि हमारा लच्छा पराठा काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो। फ्रेंड्स, अगर आप इसे मसाले का पराठा बनाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर गार्लिक या फिर कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल बनाकर दिखा रही हूँ आपको। फ्रेंड्स, लच्छा पराठा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस तरीके से अगर एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। यह पराठा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। जितना आप इसे बेल सकते हो उतना बड़ा बेल लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे काफ़ी बड़ा बेल लिया है। और फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ऑयल। तो देखिए, आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। और इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। और इसी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा आटा भी डाल लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर आटा डाल लिया है। और अब इसको आप इस प्रकार फोल्ड करेंगे, फिर इस साइड से भी फोल्ड करेंगे, और बीच बीच में आप इस पर चिकना करते रहेंगे। देखिए, मैं इसे फिर से इस पर घी लगा देती हूँ, और अब मैं फिर से इसे फोल्ड कर दूंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, इस प्रकार मैंने इसे बेल लिया है। और अब इसे आप अच्छे से दबा दबा के प्रेस कर लेंगे, और इस पर चारों तरफ से फिर से घी लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, अब इसे मैं फोल्ड कर लूँगी इस प्रकार। तो देखिए, मैंने इस प्रकार इसे फोल्ड कर लिया है। देखिए, आपको इस प्रकार इसका लट्टू बना लेना है, और इस प्रकार इसे प्रेस करना। तो अब हम इसे धीरे धीरे इस प्रकार से बेल लेंगे, ताकि जो इसके ऊपर लेयर हैं वे बिल्कुल ख़त्म ना हो। कभी इस तरफ से और कभी उस तरफ से हम इसे इसी तरह बेल लेंगे। तो देखिए, हम सूखा आटा इस पर लगाएंगे और प्रेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह काफ़ी अच्छे तरीके से बेल चुका है। अगर इसे काफ़ी बड़ा बनाना चाहो तो आप बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे इतना ही बेल रही हूँ। और अब हम कर लेंगे अपनी गैस को ऑन, और अपने तवे पर अपने इस पराठे को डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे थोड़ा सा कच्चा पक्का ही मैं इसे पलट दूँगी, और इसके ऊपर घी लगा दूँगी। फ्रेंड्स, ये आटे का और मैदे का मिक्स है, आप इसे स्पेशल आटे से भी बना सकते हो। तो धीरे धीरे करके मैं इसे इसी तरह पलटती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हम इसे इसी प्रकार बनाएंगे और पलटते रहेंगे, ताकि ये जले नहीं। फिर से हम इसे पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके आपको लच्छे दिखाती हूँ। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसके लच्छे देख सकते हो। तो हम धीरे धीरे इसे इसी तरह पलट पलट के सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक हमारा ये पराठा बन रहा है, तब तक हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हम दूसरे तरीके से बनाने वाले हैं, उस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो देखिए, हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी लेयर सब आ चुके हैं। देखिए, तो इस पराठे को हम धीरे धीरे इसी प्रकार सेकते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अब इस प्रकार का मैं कटर ले लेती हूँ, और जो हमने ये रोटी बढ़ाई है इसे कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो छोटी है, हम इसे अच्छे से इस पर घी लगा लेंगे, और अब इसके ऊपर जैसे पहले प्रोसेस थी वैसे ही आटा डाल लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए इसकी कितनी लेयर और कितनी अलग अलग, देखी बिल्कुल अलग से लेयर दिखाई दे रही हैं। और ये अंदर से भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा बनकर लाजवाब तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगले एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।